मसीह यीशु एक यहूदी सभागृह में थे जहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। कुछ व्यक्ति इस अवसर की ताक में थे कि शब्बात पर मसीह यीशु उस व्यक्ति को स्वस्थ करें और वे उन पर दोष लगा सकें। मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूख गया था आज्ञा दी, उठो सबके सामने खड़े हो जाओ। तब अन्यों को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने पूछा, शब्बात पर क्या करना व्यवस्था के अनुसार है, भला या बुरा, जीवन की रक्षा या विनाश? वे सब मौन बने रहे। तब उन सब पर गुस्से से भरी दृष्टि डालते हुए उनके मन की कठोरता पर व्यथित होकर मसीह यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ पुनः स्वस्थ हो गया था। फरीसियों ने तुरंत जाकर राजा हेरोदेस के समर्थकों को मसीह यीशु के विरुद्ध विचार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार नाश करें। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के पास चले गए। एक विशाल भीड़ जो गलील तथा यहूदिया प्रदेश से आकर इकट्ठी हुई थी उनके पीछे पीछे चल रही थी। मसीह यीशु के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुनकर यरूशलेम नगर, इदुमिया प्रदेश, यर्दन नदी के पार के क्षेत्र तथा सोर और सीदोन से भी अनेकों अनेक इस भीड़ में सम्मिलित हो गए थे। इस विशाल भीड़ के दबाव से बचने के उद्देश्य से मसीह यीशु ने शिष्यों को एक नाव तैयार रखने की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने अनेकों को स्वास्थ्य दान दिया था, इसलिए वे सभी जो रोगी थे मात्र उन्हें छू लेने के उद्देश्य से उन पर गिरे पड़ रहे थे। जब कभी दुष्ट आत्मा उनके सामने आती थी वे उनके सामने गिरकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, आप परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ये किसी से न कहें। इसके बाद मसीह यीशु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें उन्होंने सही समझा और वे उनके पास आए। मसीह यीशु ने 12 को चुना कि वे उनके साथ रहें, वे उन्हें प्रचार के लिए निकाल सकें और उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार हो। मसीह यीशु द्वारा चुने हुए 12 के नाम इस प्रकार हैं: शिमोन, जिन्हें उन्होंने पतरस नाम दिया, जेबिदियास के पुत्र याकोब तथा उनका भाई योहन, जिनको उन्होंने उपनाम दिया था बोएनर्गिस, जिसका अर्थ होता है गर्जन के पुत्र, आंद्रियास, फिलिपोस, बार्थोलोमियस, मथिया, थॉमस, हेल्फेयास के पुत्र याकोब, थैडियस, शिमोन कनानी तथा कार्योत्वासी यहूदा, जिसने मसीह यीशु के साथ धोखा किया। जब मसीह यीशु किसी के घर में थे तो दोबारा एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, यहां तक कि उनके लिए भोजन करना भी असंभव हो गया। जब मसीह यीशु के परिवार जनों को इसका समाचार मिला तो वे मसीह यीशु को अपने संरक्षण में अपने साथ ले जाने के लिए वहां आ गए। उनका विचार था कि मसीह यीशु अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यरूशलेम नगर से वहां आए हुए शास्त्रियों का मत था कि मसीह यीशु में शैतान समाया हुआ है तथा वो दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाला करते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहना प्रारंभ किया, भला शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ चुकी है तो उसका अस्तित्व बना नहीं रह सकता। वैसे ही यदि किसी परिवार में फूट पड़ जाए तो वो स्थायी नहीं रह सकता। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है और वो बंट चुका है तो उसका अस्तित्व बना रहना असंभव है, वो तो नाश हो चुका है। कोई भी किसी बलवान व्यक्ति के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर उसकी संपत्ति उस समय तक लूट नहीं सकता जब तक वो उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले, तभी उसके लिए उस बलवान व्यक्ति की संपत्ति लूटना संभव होगा। मैं तुम पर एक अटूट सच प्रकट कर रहा हूँ, मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप और परमेश्वर की निंदाएं क्षमा योग्य हैं, किंतु
पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। वो व्यक्ति अनंत पाप का दोषी है। मसीह यीशु ने ये सब इसलिए कहा था कि शास्त्रियों ने उन पर दोष लगाया था कि मसीह यीशु में प्रेत समाया हुआ है। तभी मसीह यीशु की माता और उनके भाई वहां आ गए। वे बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने संदेश भेजकर उन्हें बाहर बुलवाया। भीड़ उन्हें घेरे हुए बैठी थी। उन्होंने मसीह यीशु को बताया, वो देखिए आपकी माता तथा आपके भाई बाहर खड़े हैं। कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मसीह यीशु ने पूछा। तब अपनी दृष्टि अपने आसपास बैठे भीड़ पर डालते हुए उन्होंने कहा, ये है मेरी माता तथा मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता।